सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। माता जी कितनी है? राम जी कहते माता जी तीन। क्या क्या नाम है? तो राम जी कहते हैं कौसल्या के कई सुमित्रा। सखी कहती है जरा नाम ध्यान से सुनना, कौसल्या के कई सुमित्रा, माने बाबूजी इसकी जो माँ है उनके कई सुमित्र हैं। कौसल्या जी के कई, एक दो नहीं, कई सुमित्र हैं, अच्छे अच्छे मित्र हैं, माने इनके बाबूजी का ठिकाना नहीं है कि कौन उन मित्रों में से बाबूजी हैं इनके। सखियां मजाक करती हैं, राम जी चुपचाप सुनते हैं। एक सखी कहती है कि देखो सखी, इनका जो अयोध्या है वो अच्छा नहीं है, वहां माँ को बच्चा नहीं होता है। तो पता है क्या करते हैं? कहा क्या? कहा माता जी सब खीर खाती हैं तब बच्चा पैदा करती हैं, ये सब खीर के बच्चे हैं। राम जी तो कुछ नहीं बोलते हैं, लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे यहाँ तो कम से कम खीर खा के भी बेटा होता है, लेकिन आपके जनकपुर में तो धरती से ही लड़की निकल जाती है। हम तो आपसे अच्छे ही हैं, कम से कम खीर खा के भी माँ ने पैदा किया है, और यहाँ तो धरती ही बेटी पैदा करती है, आपसे अच्छे हैं। सखी चुप हो जाती है। दूसरी सखी कहती है तुमको पता है इनके गांव में एक एक माता जी के 60,000 बेटा होते हैं। सगड़ के 60,000 पुत्र थे राजा सगड़ के। सखियां कहती है कैसी माता जी होंगी, 60,000 बेटा होता है। कल हमने कथा में कहा था कि दशरथ जी महाराज के 50,000 साल के बाद पुत्र हुए थे, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो दिल्ली से एक व्यक्ति, उन्होंने कहा हम जैन हैं, जैन धर्मावलंबी लोग रहते हैं, उन्होंने कहा 50,000 साल में बेटा कैसे हुआ, क्या 50,000 साल में बेटा होता है? तो उसका जवाब है त्रेता युग में लोग 1,00,000 साल तक जीते थे, तो 50,000 साल में बेटा हुआ तो क्या दिक्कत है, आयु लंबी होती थी। कलयुग में 100 साल की, द्वापर में 1,000 साल की, त्रेता में 1,00,000 साल के, और सतयुग के लोग तो जब तक मन हो तब तक जीते रहते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो राजा सगड़ के भी 60,000 पुत्र हुए थे एक माता के। वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि उनके पेट से एक तुम्बी निकला था, मांस का लोथरा। उन्होंने सोचा कि जब इसमें कुछ है ही नहीं तो उसको फेंक देते हैं, लेकिन जब फेंकने लगे तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा कि इस मांस के लोथरे में बीज है, इससे एक एक बीज निकालिए और बड़े बड़े घड़े में घी भर के एक एक बीज को दे दीजिए, वो सारा बीज एक पुत्र के रूप में बन जाएगा। इसीलिए 60,000 घरे में घी भर दिया गया और उसमें एक एक बीज उसी लोथरे से जो निकला सो दे दिया गया। तो एक माता के 60,000 पुत्र हुए थे। लेकिन सखियां तो मजाक करती हैं जनकपुर में, कैसे माँ है 60,000 बेटा है। लक्ष्मण जी फिर खड़े हुए कुछ बोलने के लिए, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये ससुराल है, यहाँ युद्ध भूमि नहीं है और सब जगह धनुष बाण नहीं चलाए जाते हैं, यहाँ तो लोग मजाक करेंगे, तुम चुपचाप सुनते रहो। संत कहते हैं कितना ससुराल प्यारा होता है। गांव घर में अगर कोई माँ बहन औकात की गाली दे तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ससुराल कितना प्यारा होता है, दुल्हा माँ बहन को ताक पर रख देता है, गाली सुनते रहता है और खूब मुस्कुराता है। और वास्तव में यही कुशल दुल्हा की पहचान है,
राम जी कुशल दुल्हा हैं, लक्ष्मण जी को हाथ पकड़ के बिठाते हैं, बैठो। सखियां कहती हैं, एक बात और कहें सखी। कहा क्या? कहती है इनके साथ जो बाबा जी आए हैं पता है कौन है? राम जी के बहनोई हैं। और इनके बाबूजी इतने कंजूस, दुनिया में कोई राजा महाराजा नहीं मिला था। अपनी बहन का विवाह एक बाबा जी से कर दिए। बाबा जी तो ऐसे ही विवाह करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ लिए नहीं होंगे, मुफ्त में विवाह कर दिए हैं बेटी का। सखी मजाक कर रही हैं। और कौन बहनोई है राम जी के? आप लोगों ने एक दिन कथा सुना, श्रृंगी ऋषि शांता जी के पति हैं, वो भी राम जी के विवाह में आए हैं। सखियां मजाक करती हैं और कहती हैं, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दबुआ लगवा देते काहे गारी, बता दबुआ लगवा देते काहे गारी, बता दबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दबुआ।